विनम्र प्रणाम। देवता भळी जीवन जापन करिबा एवं स्वर्गीय आनंदर रस स्वादन करिबा कौनसी दैवी अनुग्रह नहे, बरं एहा निज दृष्टिकोणर परिष्कार उपरे निर्भर करिथाय। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तकर नाम अपरिमित संभावना गुड़िकर परिपूर्ण मानव व्यक्तित्व। पुस्तक परिचय। मानव जीवन दिव्य सत्तांकर अमूल्य भंडार अटे। यही संसार रे जे कोनोसी दिव्य गुण अलौकिक तत्व असाधारण सिद्धि अछि से सब एकाठी करी मनुष्यर निर्माण करा जायछि। मानव जीवन रो निर्माण करी परमात्मा निज समस्त कलार समाप्ति करथिले। परम ब्रह्मंकर दिव्य क्षमतार वैभव जीव रूपक ब्रह्मरे विद्यमान रहिअछि, तेणु तहार उत्तराधिकारी मनुष्यठारे मध्य सृष्टि रचनाकारीकर समस्त गुण पूर्ण रूपे रहिअछि। अत्यंत विडम्बनार विषय अटे जे आज से ईश्वर सतान मनुष्यर देवत्व सुप्त अवस्था पड़ रही। जदि मनुष्यर देवत्व गुण को जाग्रत करचित मार्गदर्शन दि जापर तेब यह मानव शरीर धारी देवपुत्र एत परिमाण में शक्ति भरी रही से आत्मज्ञान आलोक निजर पात्रतार विकाश कर निजर व्यक्तित्व बड़े असंभव को संभव करुषार्थ कर। संसारर समस्त विपुल शक्ति आमर अधिकार रही, किंतु मात्र प्रवचन शुणा एवं तर्क करने द्वारा ता प्राप्ति हुए ना, निजर संकल्प शक्ति सहित करा प्रचेषा द्वारा ता संभव होता है। आपणों पर प्रस्तुत एक क्षुद्र पुस्तक जो थी लेखक जीवनशैली को उन्नत करने निजर देवत्व जाग्रत करने तथा जीवन मुक्ति स्तर उत्कर्ष लाभ कर ईश्वरों प्रकृत अधिकारी हेबार मार्गदर्शन करिछंती, जहाँ आम जीवन धारण कर निज जीवन को सफल कर। पुस्तकर किसी अंश तोर बड़र कौन सीमा ना, जो विशिष्ट साधन गुड़िक सुसंपन्न कर तेजे पृथ्वी को पठा जामोघ अस्त्र भड़ी अटे। तु ईश्वर पुत्र अटु, तेणु तु ही ईश्वर को प्रकाशित करने को चेष्टा कर। उत्कृष्ट व्यक्तित्व ताहा कहुए जो थे व्यक्ति निहित संपूर्ण शक्तिर सर्वांगीन विकाश हो सारी। यह स्पष्ट अटे जे उक्त शक्तिगुड़िकर विकाशपी मानव शक्ति लालसा एवं सामूहिक चेतनार पूर्ण अभिव्यक्ति आवश्यक। दुईटीर सामंजस्य द्वारा तैयारी व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहुए। पात्रता और प्रखरतार वृद्धि योग और तपसाधनार मूल उद्देश्य अटे। दैवी संपदर पूर्ण आत्मज्ञानी निज अंतःकरण शांति को भंग होगा दिए ना, से बुझी जाए जे सृष्टि होता प्रतिकूल परिस्थिति ताहार आत्मशक्ति दृढ़ विश्वास आदि को परीक्षा करने आसी। जीवन में आनंदित रहा गोटे कला अटे, निजर रुचि और शक्ति अनुसार कार्य बाछने ताकु पूर्ण आनंदर सहित संपूर्ण कर। परिस्थिति से हीपरी रहिबो ताहा केबे अनुकूल और परिवर्तन होवनि, सेथिपई समय नष्ट करंतु नाही। जीवन रे श्रेष्ठतम लाभ पई छह गोटी स्वर्णिम सूत्र को जीवन रे अनुकरण कर। जीवन रो उद्देश्य निश्चित करंतु, धैर्यशील होंतु, भविष्यत पई चिंता करंतु नाही, अतीतर घटना को भूली जाओ, जीवन रे आसीथिबा आलोकित क्षण को ध्यान दिंतु, निजर बुद्धि एवं शक्ति को उन्नत एवं महत् कार्यपाई नियोजित करंतु। मु किए, मोर शक्ति कौन अटे, मोर कर्तव्य कौन, यही सबुर विचार विमर्श द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति हुए ताहा ही आत्मबोध अटे। प्रकृतर जीव ईश्वर अटे, मनुष्य शरीर धारण करिथाय किंतु से प्रकृतर शरीर नुहे, यही भिन्न सत्ता को ही आत्मा कहुए। विशुद्ध आत्मा ही परमात्मा अटे। आज मानव जो बुद्धि बल रे समस्त सृष्टि को चमत्कृत करदे, विज्ञान उन्नति द्वारा संसार को सुसज्जित करूछि, जदि से न करिबा भली कार्य करिब, न भाविबा भली चिंता करिब एवं ता निज अनुसार कार्य करिब, तेबे तार अधोपतन सुनिश्चित। यही मूल तत्व को आम जेते शीघ्र खोजी पारिबा एवं सुधुरी जीवा आमर से कल्याण हो पार। जीवन रु अशुद्ध तत्व को बाहर करदे द्वारा शुद्ध तत्व आपे आपे प्रवेश करिथे। क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, मुकार आदि दुर्गुण गुड़िकर त्याग द्वारा प्रेम, करुणा, श्रद्धा, त्याग भावना आदि सद्गुण आपे आपे उदय होइथे।
ଆମର ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ବୈଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ବଳବାନ, ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁସ୍ତକର କିଛି ବିନ୍ଦୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଟେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମୁଁ କିଏ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ନୁହେଁ। ସଫଳତାର ତିନୋଟି ସାଧନ। ବିଜୟ ଓ ପରାସ୍ତ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ କର। ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସାର୍ଥକ କିପରି କରିବା, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଉପଯୋଗ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରଧର, ଯୁଗ ଋଷି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜକ ଥିଲେ। ସେ 3200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଦେବତା।